उसके साथ साथ यहाँ पर हाइजेनिक भी हो गया, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर रोटी इस तरीके से ढाबे बनाई जाती थी, वहीं पर नमक लगा देते थे, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाए। और दोस्तों ये वीडियो आपको इंस्पायर भी करेगी, क्या कारण है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 10x10 की एक दुकान है, 10x10 की दुकान के अंदर अंकल जी ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। आप तो सोचते हैं किसी बड़े व्यापारी के पास आया है, छोटे दुकानदार के पास आए हूँ, छोटी सी यहाँ पर मशीन लगाकर अपने काम को आसान बना रहे हैं। तो अंकल जी, आपने जो ये मशीनें हैं कितने महीने पहले लगाई थी? महीने नहीं, साल हो गए, मैं 6-7 साल पहले लिया है मैंने मशीन। लेकिन आटे को गूंदना, रोटी को बेलना, सेकना, एक दिन में मान लीजिए 1000 रोटी बनानी है तो लेबर का बस का काम नहीं है, एक जैसी रोटी नहीं बनती है, एक शेप में नहीं बनती है और हाइजेनिक भी नहीं होता है। दोस्तों आज आपका ये भाई आपका काम आसान करके जाएगा, उन लोगों का जिनका टिफिन सर्विस का काम है, रेस्टोरेंट है, गुरुद्वारा है या कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जहां पर 50 से ज़्यादा लोगों का खाना बनता है, मतलब कि 500 से ज़्यादा रोटियां अगर कहीं पर बनाई जाती हैं तो आप इन छोटी सी मशीनों के द्वारा अपना काम आसान कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर 1000 रोटी बना लेंगे, मतलब 4 लेबर को रखना वो दूर हो गया, फिर लेबर का मिलना भी बड़ा मुश्किल था वो समस्या दूर हो गई है, एक शेप में रोटी नहीं आती थी वो समस्या दूर हो गई है, उसके साथ साथ यहाँ पर हाइजेनिक भी हो गया, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर रोटी इस तरीके से ढाबे बनाई जाती थी, वहीं पर नमक लगा देते थे, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक छोटे से ढाबे के अंदर पहुँचा हूँ, आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद गुजरात के अंदर, और हमारे अंकल जी हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने एक छोटी सी दुकान को भी ऑटोमेटिक कर दिया। इन्होंने यहाँ पर मशीन लगा रखी है जो ऑटोमेटिक रोटियाँ बनाती है, 1 घंटे के अंदर 1000 रोटियाँ, ये छोटी सी मशीन जो दिखाई दे रही है 1 घंटे में 1000 रोटी आपकी निकाल देती है। अब यहाँ पर इनकी रोटी की कॉस्टिंग क्या है वो भी पूछेंगे, आपको भी पता है अगर आप कहीं पर रोटी खाने जाएंगे तो 10-12-15-20 रुपए की एक तवा रोटी मिलती है, इस मशीन से मात्र उसकी कॉस्टिंग जो है सर ने बताई थी 2-3 रुपए आती है, ये बिजली से चलती है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सेंटर है आटा गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए, सेकने के लिए, सारा का सारा सेटअप दिखाएंगे और ये आपका काम आसान बना सकते हैं। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए, ये गुरुद्वारे में भी लग सकती है, लंगर का काम जहाँ पर होता है, ढाबों के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, और आजकल तो हम देखते हैं कि रोटियाँ भी पैक करने का बिजनेस चल पड़ा है कि रोटियाँ बना के और पैक करके बेची जाती हैं, तो ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके पूरी जानकारी देते हैं, क्या कीमत थी, कब लगाया था, कैसा काम चल रहा है। तो अंकल जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, क्या नाम है और ये कहाँ पर है आपका ढाबा? कृष्णा नगर में करणावती भोजनालय के नाम से चलता है, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए, ज्यादातर मैं ढाबों में हम भी जाते रहते हैं बाहर, तो वहाँ पर हाथ से रोटी बेलते हैं, काम करते हैं, आपके दिमाग में क्या है कि मैं इस चीज को काम के रोटी को काम को ऑटोमेटिक कर दूं, क्या दिमाग में आया या क्या समस्या आई आपके सामने की जिस वजह से मशीन? एक तो लेबर प्रॉब्लम था, ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी आती है। अच्छा, मशीन में लेबर के उसके हिसाब से लगा, अभी मशीन ले ले तो अच्छा है। अच्छा, मतलब लेबर का इशू भी था, और सबसे बड़ा तो लेबर का इशू है, फिर दूसरा मेरे ख्याल से इसमें एक जैसी रोटी आती होंगी। हाँ, तो आप सबसे पहले ये बताइए क्या क्या मशीन ले रखी है और क्या काम करते हो, सबसे पहले आप वो दिखाइए। पहले तो मेरे आटे का है, आटे गूंदने का मशीन है। अच्छा, ये कितना किलो एक घंटे में या जो भी है? ये 5 किलो के कैपेसिटी वाला है, 15 मिनट इसमें 5 किलो आटा गूंद जाएगा, ये 15 मिनट के अंदर 5 किलो आटा इसके अंदर गूंद के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका लेबर का और टाइम का समय बचा है। ठीक है, अब एक बार इसके बाद फिर हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे कि रोटी का क्या प्रोसेस है। A few moments later. दोस्तों लगभग मेरे ख्याल से 5-10 मिनट के अंदर 5 किलो आटा बन के तैयार हो गया है, गूंद के तैयार हो गया है, अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं। अब उस डाव के अंदर से हम जो है वो आटा निकाल के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे। सेकंड मशीन ये देख रहे हैं, आटे को हमने इस होपर के अंदर डाल दिया है, अब इससे क्या होगा, जो हमारी लोई होती है वो इससे बन के तैयार हो जाएंगी, 1 घंटे के अंदर 4000 ऐसी लोई ये बना के तैयार कर देगी, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको तीसरी मशीन का प्रोसेस दिखाते हैं। ये लोया बन के आ गया है, इसके बाद ये मशीन में डालते हैं, रोटी बाहर निकलती है। तो अंकल जी इस मशीन से 1 घंटे में कितनी रोटी? 1000 रोटी निकलती है। 1000 रोटी, हाँ जी। ठीक है, और ये बिजली से चलती है? बिजली से चलती है। ठीक है, और इसका कोई मेंटेनेंस या कुछ ऐसी चीज नहीं? कोई बड़ा मेंटेनेंस कोई नहीं है, और सारी मैं देख पा रहा हूँ रोटी एक ही शेप के अंदर निकल रही है, ये देखिए कितनी पतली पतली, बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप खुद देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से जो है वहाँ पर लोई को रखा, और कुछ सेकेंड के अंदर जो है लोई रोटी में तब्दील होकर बाहर आ गई है। तो अंकल जी इसका ये बताइए बिजली का बिल कितना का आता होगा, जो आपने अभी जैसे आटा गूंदने की लगा रखी है? 1500 से 2000 रुपये पूरे महीने का मंथ था। अच्छा, उसमें तो पंखे और जो सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। तो आप दोस्तों देख सकते हो कम मेंटेनेंस के अंदर, कम बिजली खर्च के अंदर यहाँ पर काम कितनी स्पीड से किया जा रहा है।
इसके बाद सिर्फ रोटी को सेकना बाकी रह जाएगा। हाँ, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे सेकते हैं। रोटी निकलने के बाद यहाँ पे लेते हैं तवी पे, एक गैस से चलती है, इस पे लेके इसे फुलाते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, मतलब एक साइड ये पकाई हो रही है, इस साइड एक कच्ची पकी होती है, इसके बाद इसे फुला देते हैं। फुला जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अंकल जी, ये आपने रोटी बनाई, इसमें सारा प्रोसेस आपका लगा, बिजली पानी गैस जो भी है, तो कितने में बन के तैयार हुई है? ढाई से तीन रुपए में। ढाई से तीन रुपए में। और आप कितने की, जो आपके कस्टमर है? पाँच रुपए में। मतलब मेरा इसी वजह से मन किया सर की वीडियो बनाने के लिए अंकल जी की। आपने देखा होटल ढाबे पे जाते हैं, दस दस बारह बारह रुपए की एक रोटी मिलती है। यहाँ एक तो अच्छा काम ये कर रहे हैं कि सस्ते में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, लोगों की दुआ भी मिलती है। तो अंकल जी मुझे ये बताइए, जैसे आप रोटियाँ बना के रख रहे हैं, तो अभी कस्टमर भी नहीं आए हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं? रोटी ख़राब नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी? रोटी तो जैसे कस्टमर आता है उसी टाइम पे सेकते हैं। अच्छा, उससे पहले आइए, पहले ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा, उससे पहले सिर्फ उस मशीन से निकाला? मशीन से निकाल के रोटी रख देने की, जैसे कस्टमर आता है हम सेक के देते हैं। तो जैसे आप इनको लोई को चपाती की शेप में बना के रखते हैं, कितने घंटे तक खराब नहीं होती? पाँच छः घंटे तक। पाँच छः घंटे तक। और डेली का आपने ये मशीन लगाने का क्या कारण था? कितने कस्टमर आते हैं आपके, डेली कितनी रोटी लग जाती है? 150-200 डिश जाती है। डिश मतलब एक एक छः रोटी देते हैं हम। अच्छा, एक थाली में छः रोटी देते हैं, तो लगभग आपने बताया 900 से 1000 रोटी रोटी जाती है। और ये 900-1000 रोटी का काम आपका एक घंटे में खत्म हो जाता है, लेबर की टेंशन खत्म होगी, सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया। तो अंकल जी, आपने ये कहाँ से खरीदी? ये अगर किसी हमारे भाई को लगानी हो, किसी का ढाबे का काम है या वो जैक्सन मशीन है। अच्छा, कठवारा में, GADC कठवारा। ठीक है, उनका नंबर मुझे आप दे देना ताकि मैं स्क्रीन पे लगा दूँ। ठीक है ठीक है। अंकल जी, मैं देख पा रहा हूँ लगभग आपकी जो शॉप है वो 10x10 की, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने छोटी सी दुकान में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो क्या कारण था और इस मशीन के लगाने के बाद क्या कोई फ़ायदा देखने को मिला? एक तो लेबर प्रॉब्लम था, लेबर ज़्यादा चाहिए थे। अच्छा, ये प्रॉब्लम कम हो गया, जो चार लेडीज करती थी वो एक से हो जाता है। और शायद लेबर समय पे भी नहीं मिलती होगी। मिलती नहीं होगी, वो प्रॉब्लम बड़ा था। और कुछ आपको ऐसा भी लगा कि मेरे को उससे कुछ सस्ता ही पड़ा है? भाई मान लो लेबर तो, मगर महंगी तो नहीं पड़ रही रोटी? नहीं नहीं, महंगी नहीं पड़ती। सही है। तो अंकल जी, आप ये बताइए, जो ये मशीन है कौन कौन लोग लगा सकते हैं, किसके लिए मददगार साबित होगी ये? सबके, 50 से ज़्यादा आदमी जिसके भी खाते हैं वन टाइम में, वो सबको चलेगी। अच्छा, और कहाँ कहाँ पर? जैसे ढाबों में लगती है? ढाबों में लगे, कोई भी सहकारी संस्था है, कोई घर पे टिफिन बनाता है, 50-100 टिफिन जाता है जिसका, उसको भी चले। हाँ, मैं स्किप कर गया था, ये टिफिन सर्विस हो गया, शादियों में हो गया, गुरुद्वारे में हो गया। और आपने जैसे बताया 50 से ज़्यादा थाली जिसकी भी लगती है उसको लगा लेनी चाहिए, उसके सस्ती ही पड़ेगी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकल जी, मैं बड़ा खुश हूँ आपने एक छोटी सी शॉप से तरक्की भी कर रहे हैं और नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो अंकल जी, आपने जो ये मशीनें हैं कितने महीने पहले लगाई थी? महीने नहीं, साल हो गए, मैं 6-7 साल पहले लिया है मैंने मशीन। 6 साल, मगर आपने साफ सुथरी बहुत रख रखी है। उसका मैंने ब्लोअर रखा है स्पेशल। अच्छा, दो टाइम साफ करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं साफ करके ही रखते हैं। अच्छा, और अगर कोई हमारा भाई अपने ढाबे के लिए या जिसका भी काम रोटी का बनाने का है, तो वो अगर ये सेटअप लगाए तो कितना खर्चा लगा होगा आप बताना चाहेंगे? 1.25 लाख जैसा होगा, 1.25 लाख में सब आ जाएगा। ठीक है ठीक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर आपको रोटी बनाने की मशीन की जरूरत है, आपका ऐसा काम है कि जहाँ पर भी 50 से ज़्यादा थाली आपकी लगती हैं या 500 से ज़्यादा रोटी डेली लगती हैं, आपका टिफिन सर्विस का काम है, गुरुद्वारा है, रेस्टोरेंट है, शादियों का काम है, जहाँ या आपका कोई बड़ी संस्था है, इंप्लॉय ज़्यादा है, वहाँ पर रोटी ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पर सर ने बताया एक तो आटा गूंदने की मशीन की जरूरत पड़ती है, एक डाव बनाने की जो मशीन हमने देखी, और तीसरी ये जो ये है यहाँ पर उस डाव की जो रोटियाँ बनाने की यहाँ पर रखा, उसकी रोटियों की शेप में बनाने की ये मशीन जरूरत पड़ती है, और लास्ट और चौथी जिसमें गैस से यूज़ कर रहे हैं रोटी सेकने के लिए, आप ये सेटअप लगा के अपना काम भी आसान कर सकते हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर अंकल जी ने बताया ये काम है, 10x10 की दुकान से ये काम कर रहे हैं। इनोवेशन देखिए, हमारे भाई बहन जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका काम अच्छा बड़ा है, तब भी टेक्नोलॉजी पे नहीं आते हैं और वो इस लेवल पे आए हैं। और 2.5 से 3 रुपये रोटी बन के तैयार हो रही है, उससे भी अच्छी बात, 5 रुपये कस्टमर को दे रहे हैं। और ऐसा अगर आप तो मान लीजिए 10-15 रुपये बेच रहे हैं, तो मुनाफा आपका ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये बताया कि ये जो रोटियाँ बेल रखी हैं, अभी देखिए कस्टमर नहीं आए हैं, जैसे ही कस्टमर आएंगे ये जो टेबल है यहाँ पर बैठ के वो खाएंगे या टेबल को बाहर निकाल देंगे अंकल जी, तो ये जो रोटियाँ हैं इनको टिफिन के अंदर वो रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे, ये देखिए ये ताकि ख़राब नहीं है, ये दिखाइए एक बार, ये देखिए ये 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से सारी जो है रोटियां, इनको मान लीजिए इनकी 900 रोटियां लगती हैं, तो 900 रोटियां 800 रोटियां बना के उसमें रख लेंगे, जैसी कस्टमर आएंगे तो सेक कर उन्हें देते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार और ज़बरदस्त जानकारी देखने को मिली होगी। और अगर ये सेटअप आप लगाना चाहते हैं, तो अंकल जी से जो मैंने नंबर लिया, उसका कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उस कंपनी में जाइए,
विजिट कीजिए। 6 सालों से इसको मशीन को यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह कोई मेंटेनेंस नहीं देखने को मिला, अच्छी तरीके से चल रही हैं। एक ट्रू जानकारी, सच्ची जानकारी आपको दिखाने की कोशिश की है। आप पूरी तसल्ली करिए आपकी, आप पहले, और जो कंपनी मैं भी गूगल पे सर्च किया, जो अंकल ने बताया जैक्सन, वो बहुत बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है, पूरे भारत के साथ, भारत के दूसरे देशों के अंदर भी अपनी मशीनें सप्लाई करती हैं, 100% सेटिस्फाइड देती है कस्टमर को, और काफ़ी किफ़ायती दाम के अंदर अच्छी मशीनें आपको उनके पास देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।